नमस्कार दोस्तों। सो दोस्तों बहुत दिन हो गए वीडियोस अपलोड नहीं किया हम लोगों ने। दोस्तों बहुत सारा टेंशन था। सो आज से वीडियोस रेगुलर आएगा। और गाइस मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, सॉरी उसके साथ एक पक्का प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि मैं अभी रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। उसके साथ दोस्तों स्पेशल वीडियोज भी आने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो चैनल पर। सो अच्छे से फोन निकल्स के आ रहे हैं, उसके साथ हम लोगों को अच्छा खासा वीडियोस बनाना है। और जल्दी से जल्दी हम लोगों को इस बार यूट्यूब में मतलब फोन्स के ऊपर बहुत सारे डिस्कस करने हैं यूट्यूब चैनल पर। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ओप्पो F19 प्रो के ऊपर जो कि लॉन्च हो चुका है। और गाइज वो एक बहुत जबरदस्त फोन है। और गाइस जो ये फोन है मतलब क्या ही कहे हम लोगों ने। ओप्पो ने इस बार जो ये फोन बनाया वो मतलब सुपर टूपर से भी ऊपर है ये फोन। सो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फैंटास्टिक अमेजिंग जबरदस्त काम किया है ओप्पो F19 प्रो ने। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अंजन टेक, मैं हूँ अंजन विद न्यू एटीट्यूड, न्यू स्टाइल, न्यू लेवल। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ओप्पो F19 Pro, ओप्पो F19 Pro एक पहली बात 5G फोन है। उसके साथ दोस्तों ये जो फोन आता है 6.4 इंचेस का एक फुल HCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं उसके रिफ्रेश रेट के ऊपर जो कि 90 हर्ट्ज है रिफ्रेश रेट उसका जो स्क्रीन का, जो कि बहुत फास्ट होने के लिए जा रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैमरा के ऊपर। फर्स्ट करेंगे वो बैक कैमरा के ऊपर, फिर बात करेंगे सेल्फी लवर्स का जो मेन चीज होता है कैमरा उसके ऊपर बात करेंगे। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं उसके मेन कैमरा के ऊपर, फ्रंट कैमरा जो 4 में है। एंड्रॉइड में आप लोगों को पता ही है 4 रहते हैं, 2 की तो बात करना छोड़ दीजिए और 2 जो मेन होता है। पहला है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, सेकंड है 8 मेगापिक्सल का, थर्ड है 2 और 2 आप लोगों को पता ही है डेप और मैक्रो के लिए। सो नेक्स्ट दोनों बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा के ऊपर जो सेल्फी लवर्स का एक मेन चीज होता है। और उसके साथ दोस्तों ये जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा जो कि इस फोन को एक अच्छा खासा दे देता है कैमरा, तो सेल्फी लवर्स के लिए ये एक जबरदस्त है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर आप लोग देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 679G प्रोसेसर जो कि ठीक ठाक ही है गेमिंग के लिए, ठीक ठाक है मतलब आप लोग अच्छा खासा 2-3 घंटा गेमिंग आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए कि ओप्पो ने बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। बैटरी आप लोग देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी जो आपको लंबा साथ दे देगा। उसके साथ दोस्तों 33 वाट्स का आप लोगों को फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि इस फोन को आपको रुको सबर करो 1 घंटे में या फिर 45 मिनट्स में आप लोगों को फुल चार्ज करके दे देगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रैम मैनेजमेंट के पास होगा। रैम आप देखने को मिलेगा 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, उसके साथ 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, आप लोग 2 रैम वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। जो 6GB है वो भी अच्छा है, सॉरी 8GB है वो भी अच्छा है, और जो है 12GB वो भी जबरदस्त है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग फोटो ज्यादा लेते हो, वीडियो शूट करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग वो कौन सा ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें इसे कलर वेरियंट के ऊपर। कलर वेरियंट पर देखने को मिलेगा 2, जैसे कि पहला है सिल्वर ब्लू, उसके साथ दोस्तों एक व्हाइट सिल्वर शाइनी टाइप ब्लू है जो कि इस फोन को एक बहुत ग्लॉसी लुक दे देता है। उसके साथ दोस्तों प्रीमियम भी लगता है उसके साथ, मतलब क्या ही कहे, और कुछ और ज्यादा भी लगता है। सो नेक्स्ट हम बात करें इसके सिक्योरिटी के ऊपर। सो गाइस राइट फिंगरप्रिंट स्कैनर, अंडर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस लॉक सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा इस फोन में। उसके साथ दोस्तों एट लास्ट हम बात करते हैं इसके रेट के ऊपर। उससे पहले रुको यार सबर करो, उससे पहले आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों यही है मतलब हम लोगों को मोटिवेट करता है, मतलब मुझे करता है। सो एट लास्ट हम बात करते हैं इसके रेट के ऊपर। सो गाइस जो है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज उसका है, 14999 मतलब 15,000 ही। उसके साथ दोस्तों जो है कौन सा
12GB RAM 256GB स्टोरेज वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 17999 जो कि 18000 में दे। तो दोस्तों रेट के हिसाब से ठीक ठाक ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G अगर होता तो ये फोन एक अच्छा होता, या फिर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर भी दिया होता तो भी ये फोन एक जबरदस्त कहलाता है। सब कुछ यहाँ पर ओके है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा घटिया दे रखा है, क्योंकि अगर ये प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा दिया होता तो ये फोन थोड़ा और मतलब मार्केट में तबाही मचा देता, अच्छे अच्छे फोन को टक्कर दे सकता था। सो इस वीडियो में इतना दोस्तों, वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक शेयर प्लीज कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब मैंने कह दिया प्लीज कर दीजिएगा। उसके साथ इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे एट होम, स्टे सेफ।